दोपहर के बज रहे एक और गाड़ी लेके निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? एक तो गाड़ी के ना ब्लेड बदलवाने, इसके वाइपर मैंने बहुत पहले बताया था खींच रहे हैं, काफी टाइम हो गया, 6 महीने करीब हो गए और डलवाए नहीं अब तक। पहले ब्लेड लेंगे और फिर इसके जो टायर डलवाए थे ना वो, उसका वारंटी कार्ड लेना है मुझे ना, उसका वारंटी कार्ड अपडेट नहीं हुआ। वारंटी कार्ड अपडेट कराएंगे, वारंटी कार्ड रखेंगे और फिर अपना एक दो काम जो होंगे वो कर लेंगे, देखते हैं। एक बात जो मैंने पिछली व्लॉग में कही थी, क्या थी? वो ये थी कि भाई तुम्हें टायर्स के बारे में बताना था ना कि कौन सा टायर कैसा है कैसा नहीं। देखो मैं, देखो तीन तरीके के टायर तो होते ही होते हैं, तुम्हें पता होंगे, हाईवे टायर, ऑल टेरेन और एमटी। हाईवे टायर वो होगा जो अपना भैया नॉर्मल रोड सिटी वगैरह के लिए होते हैं, जो मेनली सारी गाड़ियों में लगे हुए आते हैं, टोटल सब में, स्विफ्ट में, बलेनो में, अल्टो में, वैगनार में, सब में यही मिलेंगे तुम्हें ना मैक्सिमम। कुछ कुछ एसयूवी में भी कंपनी स्टॉक में यही देती है हाईवे टायर। फिर आता है ऑल टेरेन। ऑल टेरेन का काम क्या है भाई? ऑल टेरेन का काम है कि चाहे मिट्टी हो, बजरी हो, रेत हो, ठीक है, गारा हो, गीला गारा होता है चिकनी मिट्टी का, इन सब पे चलने के लिए और साथ साथ हाईवे पे भी चलने के लिए जो टायर होते हैं, यानी हर जगह अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो होते हैं ऑल टेरेन। फिर आते हैं एम्प्टी टायर। एम्प्टी टायर हो गया भाई तुम्हारे मड टेरेन। मड टेरेन यानी वो मेनली मोटी, बहुत ही ज्यादा मोटी कुट्टी के टायर होते हैं और वो ऑफ रोडिंग के लिए होते हैं मेनली। जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने इसमें डलवाए ऑल टेरेन, ठीक है। थार में जो कंपनी से आते हैं वो भी ऑल टेरेन ही आते हैं, ठीक है। इसमें जो 4x2 मॉडल होता है ना फॉर्च्यूनर का, उसमें हमेशा कंपनी देती है ऑल टेरेन, जो मतलब हर काम के लिए बेस्ट है। लेकिन 4x4 में पता नहीं क्यों टोयोटा देती है हाईवे टायर। किसी की भी देखना इसकी 4x4 है ना फॉर्च्यूनर कंपनी जो बंदा लेता है, तो हाईवे टायर ही होंगे अगर ऑल टेरेन लगे हुए होंगे ना 4x4 वाली गाड़ी में, तो समझ लो उसने बाहर से डलवाया। ये कंपनी देती नहीं ऑल टेरेन, हाईवे टायर ही देती है कंपनी। तो भाई हमने ऑल टेरेन की बात करनी है इस टाइम, क्यों भाई? हम ऑफ रोडिंग भी करते हैं, सड़कों पर भी चलते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, बर्फ में भी जाते हैं, तो भाई एमटी हम क्यों नहीं लगवाते? एमटी हम इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि बहुत ज्यादा रोड नॉइज होता है, ठीक है ना। मतलब गाड़ी चलेगी ना 60-70 की तो जी ऐसी ऐसी आवाज आएगी बहुत खतरनाक वाली, तो एमटी लगवाने का कोई फायदा नहीं हम जैसे बंदों को, सिटी वाले को, क्यों भाई हर टाइम तो हम बर्फ में नहीं चला रहे गाड़ी, ना मट्टी में चला रहे, सड़क पे भी चलानी है। तो यहाँ आके एमटी पे हमने कट कर दिया, हमने एमटी टायर नहीं लिए, ठीक है। और आप जैसे लोगों को भी नहीं लेने चाहिए मेरे हिसाब से। एमटी वो लेता है जिसको भाई प्रॉपर सिर्फ ऑफ रोडिंग ही करनी है, समझ रहे हो ना भाई, जीप है, जीप में लगवा लिया और ऑफ रोडिंग ही करनी है दबा के, तो फिर है एमटी टायर का ऑप्शन। और हाईवे टायर मैंने बता ही दिया, जैसे रोड सड़क पे नॉर्मल भाई वो भी हम नहीं करते, हम सड़क पे भी चलते हैं और मिट्टी वगैरह में भी जाते हैं, तो हाईवे टायर चिकने होते हैं, वो क्या करते हैं मिट्टी काट नहीं पाते, मिट्टी है, बर्फ है, कुछ भी है, वो ना चिकने हो जाते हैं एकदम से, ऊपर उसके अंदर सारे घुस जाती है मिट्टी भी, बर्फ कभी चिकने हो जाते हैं, फिर फ्रिक्शन बन नहीं पाता, फ्रिक्शन नहीं बनता जमीन के साथ और ट्रैक्शन नहीं बन पाता ढंग से, तो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है, वो टायर घूमते रहते हैं शी ऐसे करके। तो हम तो बीच वाला टायर सबसे बेस्ट है हमारे लिए जो हमने लगवाया ऑल टेरेन। हमने लगवाया था योकोहामा जियोलैंडर 80, ठीक है भाई। अब इसके अलावा हमारा जो टायर प्रोफाइल है, पहले बता देता हूँ मैं, 285/60R18, ठीक है, 285 चौड़ाई, 18 इंच का हमारा अलॉय है, 60 इंच की हमारी वो है जो ऊपर की टॉप का होता है ना हिस्सा, समझ जाओ अलॉय से ऊपर का टायर का जो हिस्सा होता है वो 60 mm है, 60 है, मुझे नहीं पता इसकी mm में होता क्या होता है, वो गूगल पे देख लेना आप लोग। इसमें ऑप्शन था BF गुडरिच रेडार RT, एक ये है योकोहामा जियोलैंडर, और इसके अलावा एक मिशलिन का टायर था, एक अपोलो एप्टेरा। तो इसमें जो मैं मानता हूँ भाई सबसे नीचे 5 ब्रांड्स के नाम लिए मैंने, ठीक है। ऑल टेरेन इसमें जो रेडार है वो ऑल टेरेन नहीं है, वो RT प्लस है, उनका अपना एक बनाया हुआ रगेड टेरेन करके, यानी वो एमटी टायर भी नहीं है और एटी टायर भी नहीं है, बीच का कुछ समझ लो उसे, ठीक है ना। तो ऑफ रोडिंग में बहुत बेस्ट टायर है रेडार का, पर उसमें भाई अपने को नहीं मिली कोई वारंटी गारंटी, तो हमने वो वहाँ कट किया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि अगर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो या किसी भी ऐसी गाड़ी में थार को छोड़ के लगवा रहे हो तो भाई रेडार ना लगवाना, अलग ब्रांड पे चले जाना, रेडार पे मत जाना, क्योंकि वारंटी वगैरह मिलनी नहीं, और ये ज्यादा ही शोर करने वाला टायर है रेडार RT, ठीक है। यहाँ रेडार RT पे कट कर दिया हमने, बचे 4 टायर, अपोलो एप्टेरा, ठीक है, बहुत से यूट्यूबरों ने लगवा रखा है, ठीक है, और मिशलिन हो गया, मिशलिन में आता है एक ऑल्टरनेट टायर आता है, उसका नाम भूल गया मैं, एक BF गुडरिच, फिर ये है योकोहामा जियोलैंडर। एक आता भाई छूट गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं गूगल नहीं हूँ, ठीक है, जब मेरे पास सारी नॉलेज और मैं लेके भी पढ़ के बैठा हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जितनी मुझे है। भाई मिशलिन का जो टायर है उसका ना लेने की वजह हमारी ये रही कि मिशलिन का जो टायर है ना वो ऑल टेरेन तो है, कैपेबल भी है, लेकिन इतना कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो आप गुट्टी देखेंगे ना जो उस पर पैटर्न जो है टायर पैटर्न, वो इतना एग्रेसिव नहीं है जितना इसका है। अब सबसे टॉप पे मैं बता दूं नंबर 1 टायर कौन सा है, मैं नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ मेरी लिस्ट में,
वो बीएफ गुडरिच है। बीएफ गुडरिच कितने का पड़ता मुझे? 35,000 का एक टायर पड़ता, और ये टायर कितने का पड़ा? 18,300 का मुझे एक टायर पड़ा ये वाला। तो सीधा सीधा हाफ रेट मुझे ये मिल गया। बीएफ गुडरिच चार लेता तो मुझे पड़ते 35,70,70,140,000 के, तो उसका कोई तुक नहीं बनता था। और 285 मेरे हिसाब से वो अड़ता जरूर इसके अंदर। ये दूसरा पॉइंट था ना लेने का बीएफ गुडरिच। पहला पॉइंट वो महंगा था, दूसरा वो कि भाई उस टायर का काटते ना, टायर काटते इधर उधर, तो शायद वो मेरे हिसाब से तो लगता ठीक है, तो मैं उस पर जाना ही नहीं था, मैंने पहले ही कट कर रखा था उस पर। दूसरा वो टायर की एक खासियत ये है कि ऑफ रोडिंग ले लो, कुछ भी काम ले लो भाई ऑफ रोडिंग से रिलेटेड, वो टायर नंबर वन पे है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि उसकी जो साइड वॉल बोलते हैं, इधर को देखोगे ना टायर को इस तरफ से, अलॉय की तरफ से जो ऊपर का हिस्सा होता है साइड वॉल बोलते हैं उसे, जो किसी भी चीज पे चढ़ा रहे हो टेढ़ी करके तो वो टकराता है, तो वो बड़ी मोटी साइड वॉल है उसकी। मतलब ऐसी है कि गाड़ी स्पीड में चढ़ा दो साइड वॉल तब भी नहीं फटेगी उसकी, इतनी मजबूत साइड वॉल है। तो भाई वो तो हो गया नंबर वन टायर ठीक है। फिर हमने लिया जियोकामा जियोलैंडर 80, इसकी भी साइड वॉल अच्छी है। और ओवरऑल टायर जो है ना भाई, कल से अब तक मैं ये लगा लो टायर लगाया, मैं 400 किलोमीटर गाड़ी चला चुका ये वाली ठीक है। फिर देख लो 48,000 हो रहा है, मैंने लगवाया था 48,448 के आसपास टायर, ये 44 पे, तो यानी वही 3-4 किलोमीटर रह गए, 400 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। टेस्ट कर चुका हाईवे पे ठीक है, दबा के रोड नॉइज हल्का सा बड़ा है हाईवे टायर के मुकाबले, लेकिन भाई परफॉर्मेंस हाईवे पे जेन्युइन टायर होगी इनकी ना, तगड़ी परफॉर्मेंस है, मैं इतना कहूँगा। तो यानी भाई मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर आप लोगों को अच्छा टायर फॉर्च्यूनर के लिए ठीक है, अपना किसी भी 4x4 व्हीकल के लिए लेना है ना सही टायर विद वारंटी एंड गारंटी जो भी मिलती है, इसमें भी जाके बात करके मैंने ढंग से पूछा भी ना ठीक है। अब वो है भाई योकोहामा जियोलैंडर 80। मेनली बंदे जितने भी जिमनी वाले बंदे हैं वो सब ये लगवा रहे, तुम सोच रहे हो पेट्रोल पंप पे क्या करना है, पेट्रोल पंप पे तो हम जाम से बचना है ठीक है, तुम भी करते होंगे ऐसे। के अलावा एक टायर बनाने का नाम लिया अपोलो एप्टेरा 82 करके आता है, वो टायर ही बहुत अच्छा है, लेकिन वो ना कहीं भाई अपोलो है और योकोहामा इससे नीचे है। यानी अगर थोड़ा बजट कम है तो भाई अपोलो ले लो 82, वो टायर ही बहुत अच्छा है, लेकिन योकोहामा भाई नंबर वन प्रेफरेंस बताऊंगा मैं, बजट फ्रेंडली ठीक है, क्वालिटी वाइज लुक वाइज हर चीज में जेन्युइन टायर है। रेडा अगर लुक पे खाली तुम्हें चाहिए ना एकदम थार चीज बंदों पे, वो चाह रहे हैं कि भाई लुक आ जा कैडे वाली और ज्यादा पैसे भी खर्च ना करने पड़े, तो भाई चाइनीज टायर को तो मैं बात ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे आते हैं चाइनीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कि चाइनीज भाई लगवाना ही मत, कोई फायदा नहीं है। और बजट लो है तो लगवा भी लो, क्योंकि वो फटते नहीं है भाई, मेरा मानना है वो नहीं फटते, मैंने देखा है बंदे कई जो ने लगवा रखा ऑफरोडिंग करते हैं, कुछ नहीं होता उन टायरों में भी। अगर कंपनी का लगवाना थार वगैरह ऐसी गाड़ी में जीप टाइप में, तो भाई रेडार पे जाओ, जिस पे रैंगलर है वो भी रेडार लगवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटो बच्चो टायर है। और जिन पे ये जिप्सी टाइप या जीप टाइप गाड़ियां नहीं है ना, जितनी जैसी एसयूवी टाइप है भाई तुम्हारी फॉर्च्यूनर एंडेवर ये सब है, तो भाई तुम लोग लगवाओ योकोहामा जियोलैंडर आंख बंद करके 80 आंख बंद करके लगवाओ ऑफरोडिंग के लिए, बर्फ के लिए, हर जगह के लिए। तो भाई ये इस टायर की खासियत, अभी नीचे गाड़ी वहीं लगा के लोग दिखाऊंगा टायरों का तुम लोगों को। देखो भाई पहले भी दिखाया था, यानी अच्छे खासे ग्रूव्स बने हुए इसमें ना, मिट्टी कहीं से कहीं तक ये टायर चिकना होगा ही नहीं, होगा तो ज़्यादा ही जाके मिट्टी में होगा। और साइड पैटर्न देखो, साइड वॉल कितनी मजबूत है इसकी ना, यहाँ से काफ़ी ठीक है, बढ़िया है जी। भाई मिल गया पर्चा, अब चलते हैं यहाँ से, इसके वाइपर ब्लेड चेंज कराते हैं पहले गाड़ी के ना, नए वाइपर लेने पड़ेंगे भाई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे टायरों के बारे में जो मैंने समझाया तुम लोगों को ठीक है। योकोहामा जियोलैंडर 80 मेरी नज़र में बहुत अच्छा टायर है, टायर बाकी सब अच्छे हैं, सबके पर्पज़ बता दिया, अगर टेरेन के MT के हाईवे टायर के, अगर भाई सिटी सिटी में चलाएं तो हाईवे लगवाओ, और भाई सिर्फ ऑफ रोडिंग करनी है तो MT लगवाओ, हाई लेवल की अगर करनी है तो, क्योंकि गाड़ी ना फंसे मेरी ठीक है। और भाई अपना ऑफ रोडिंग हाईवे काम पे भी जाते सब करते तो 80 डलवाओ, और 80 में भी मैंने ऑप्शन बता दिए, तगड़ा ही बजट अभी है गुडरिच, उससे कम बजट पे अगर भाई लगाना चाह रहे हो तो भाई मेरी नज़र में योकोहामा पे जाओ ठीक है। ब्रावो मैक्सिस मैंने छूट गया था, वो टायर भी बहुत अच्छा है, वो इसको टक्कर ही देता है पूरी सेम, या तो योकोहामा लगवा लो या ये लगवा लो, बस वो थोड़ा ज़्यादा नॉइजी है, इसके अलावा वो हर चीज़ में ओके टायर, ऑफ रोडिंग में भी ओके है। टायरों की नॉलेज देने चक्कर में वीडियो लंबा हो गया थोड़ा ना, ये कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज भी चलती है। आ गए भैया अपने नए ब्लेड, नॉर्मल वाले लगाए मैंने, ये ज़्यादा कारगर होते हैं, बुकिंग वाले जो आते हैं ना वो जल्दी गिर जाते हैं। है कौन? नहीं नहीं मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। ये ऑल टेरेन टायर होगा, फायदा गाँव का भी पत्थर हो गए भाई। ये है वो नट तो नया लेना पड़ा, ये भी साथ में स्टड टूट गया था पीछे का, ये यहाँ से ब्रेक हो गया था पुराने वाला, तुमने देखा होगा, तो फेंक दिया मैंने, अभी लगवाना है इसके अंदर, फिर गाड़ी ओके है। 6 नट इसके अंदर ना एक अलॉय के अंदर, तो 6 में से 5 तो जिंदा, एक मर गया था,
जो मर गया था उसको बदलने के लिए दूसरा लेके आए हम लोग। स्टड लगवाना था अभी, पर मैंने कहा गोली मार क्यों भाई यार मैकेनिकों की हद है यार, गर्मी में खड़ा रहा 15 मिनट में, लगा दे। कह रहा भाई या तो संयम रखो या निकल लो। मैं कहा भैया हम निकल ही लेंगे उस्ताद, हमारे थोड़े टाइम ना है इतना। 15 मिनट लेट है भाई, घर के नीचे आ गए तो एक बार गाड़ी की लुक देख लो, तुम देख रहे हो टायर भाई, जब रियल में देखो ना तब पता लगेगा, क्योंकि वीडियो इतना कुछ बता नहीं पाती, जस्टिफाई नहीं कर पाती छोटी मोटी चीज़ों का। टायर का मामला जो है ना छोटा ही मामला होता है, क्योंकि गुट्टी छोटी दूर से तो छोटी दिखेगी क्योंकि हाथ में इतनी सी आती है, सीधी सी बात है। तो भाई अपना ये ब्लॉग करते यही पैंड, टायरों की नॉलेज आप लोगों को दे दी ठीक है। तो जियो लेंटरी लगवाइए भाई, इनको फोड़ने वगैरह ना, और कोई सब लगवाना ठीक है भाई। बाइक वाले भाई शोर कर गए, और मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए टाटा बाय बाय, गाड़ी कर दी।